दोस्तों, हमारी इस अनोखी दुनिया में कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। बड़ी बिल्लियों को दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी माना जाता है। क्या आपने कभी किसी चीता को शिकार करते हुए देखा है, या फिर किसी लीपेड को किसी दूसरे जानवर का खाना चुराते हुए? अगर नहीं, तो आज की इस वीडियो में आपको 14 ऐसी मज़ेदार क्लिप्स आपको दिखाना चाहेंगे, जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि जंगली बिल्लियाँ तो वाकई में काफ़ी खतरनाक होती हैं। लीपर्ड वर्सेस मंगूस। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से एक लीपर्ड जो है यहाँ पर एक मंगूस का शिकार कर रहा है। शिकार अचानक से छूटकर भाग जाता है, लेकिन लीपर्ड की फुर्ती के आगे मंगूस की एक नहीं चलती है और लीपर्ड उसको वापस धर दबोचता है। लीपर्ड वर्सेस डियर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से ये बिग कैट एक डियर का शिकार यहाँ पर कर रही है। काफ़ी देर की कोशिश करने के बाद छटपटाकर डियर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जंगली बिल्ली के आगे इसकी एक नहीं चलती है। लीपर्ड वर्सेस टाइगर। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से लीपर्ड के द्वारा एक बेबी टाइगर को अपने जबड़ों में दबोच लिया है। ये जंगली बिल्ली किसी को भी नहीं छोड़ती। चीता वर्सेस टाइगर। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से चीता के द्वारा एक बाघ को यहाँ पर पकड़कर दबोच लिया गया है। बाघ काफ़ी देर तक कोशिश करता है भागने की, लेकिन इस जंगली बिल्ली के आगे उसकी एक नहीं चलती और वो वहीं धराशायी हो जाता है। लीपर्ड वर्सेस हनी बैजर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से हनी बैजर का शिकार यहाँ पर लीपर्ड के द्वारा किया जा रहा है। वैसे तो हनी बैजर को दुनिया का सबसे निडर जानवर माना जाता है, लेकिन जब उसका सामना इस लीपर्ड से होता है तो उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि लीपर्ड का फुर्ती और शिकार करने की टेक्निक के मामले में दुनिया का कोई दूर नहीं है। हनी बैजर काफ़ी देर तक कोशिश करता है शिकार के चंगुल से भागने की, लेकिन लीपर्ड जो है अपने शिकार को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देता है और उसको पकड़कर पेड़ की एक ऊंची डाली पर जाकर लटका देता है। वहीं हनी बैजर जो है घबराकर छटपटाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लीपर्ड जो है अपने शिकार को किसी भी रूप में गंवाना नहीं चाहता है। लीपर्ड वर्सेस इम्फाला। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रात के टाइम में किस तरह से लीपर्ड के द्वारा एक इम्फाला का शिकार किया जा रहा है। इम्फाला दोस्तों एक हिरन की प्रजाति का ही एक जानवर होता है। लीपर्ड वर्सेस क्रोकोडाइल। यहाँ पर इस निडर जंगली बिल्ली को आप देख सकते हो कि किस तरह से उसने क्रोकोडाइल को ही अपना शिकार बना लिया है। हालांकि क्रोकोडाइल काफ़ी साइज में बड़ा है, लेकिन लीपर्ड की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। काफ़ी देर की कोशिश करने के बाद यहाँ पे क्रोकोडाइल छटपटाकर भागने की कोशिश करता है। वहीं नेक्स्ट क्लिप में आप देख सकते हो कि इस लीपर्ड के द्वारा किस तरह से मगरमच्छ के मुंह से उसकी मांस के टुकड़ों को छीना जा रहा है। काफ़ी देर की कोशिश करने के बाद जब वो कोई जवाब नहीं देता है तो लीपर्ड वहाँ से टुकड़ा लेकर भाग जाता है। चीता वर्सेस रैबिट। दोस्तों, रैबिट के पास कोई भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है और वो इस कंडीशन में कैसे बचाव करेगा। लीपर्ड वर्सेस मॉनिटर लिजार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए सबसे पसंदीदा भोजन मॉनिटर लिजार्ड ही है, जो कि लीपर्ड के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। लॉयन वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों, लॉयन और क्रोकोडाइल की लड़ाइयाँ तो आपने बहुत पहले से ही देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से शेर के द्वारा मगरमच्छ को यहाँ पर बुरी तरह से उसकी चमड़ी को उधेड़ दिया गया है। लॉयन जो है एक काफ़ी शक्तिशाली और पावरफुल जानवर है। लॉयन को देखकर मगरमच्छ वापस पानी में कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लॉयन की फुर्ती के आगे उसकी एक नहीं चलती है और वो अपने इस मजबूत शिकार को पकड़ लेता है। चीता वर्सेस विल्ड बीस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से विल्ड बीस्ट के ग्रुप पर यहाँ पर इन तीन चीता के द्वारा हमला कर दिया गया है। विल्ड बीस्ट हालांकि संख्या में काफ़ी हैं, लेकिन चीता के आगे उनकी एक नहीं चलती है। उनको देखकर पहले तो वो भागने की कोशिश करते हैं, तब तक उसके दो साथी और आकर इस विल्ड बीस्ट को दबोच लेते हैं। विल्ड बीस्ट हालांकि साइज में काफ़ी बड़ी है और वो अपने शिकार का विरोध भी करती है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं। चीता वर्सेस ज़ेब्रा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से चीता के द्वारा काफ़ी लंबी दूरी की दौड़ के बाद इस ज़ेब्रा को धराशायी कर दिया गया है। वहीं जंगल सफारी की इन गाड़ियों को आप देख सकते हो। दूसरी तरफ
ये तीन चीता जो मिलकर ग्रुप में जेवरा का शिकार कर लिया। जेवरा काफ़ी देर तक भागकर जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वो मारा जाता है। चीता वर्सेस टोपी। यहाँ पर इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से चीता के द्वारा एक टोपी का शिकार किया गया है। काफ़ी देर की कोशिश करने के बाद टोपी उनको अपनी तरफ आते हुए देखकर भाग जाता है, लेकिन टोपी की ये दूर ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाती और आखिरकार चीता उसको दबोच ही लेते हैं। शेरनी वर्सेस ईलैंड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से ईलैंड और शेरनी के बीच में एक घमासान युद्ध चल रहा है। शेरनी उसका शिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन ईलैंड उसका काफ़ी ज़ोरदार तरीके से विरोध करता है। ये जानवर इतना बड़ा है कि आसानी से जमींदोज भी नहीं हो पा रहा। उसके साथ साथ शेर के कुछ और साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि सारे एक साथ मिलकर अपनी इस मील को एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में नेक्स्ट क्लिप में आप देख सकते हो कि किस तरह से एक बड़ी टोपी को यहाँ पर शेर के द्वारा पीछे से पकड़ लिया गया है। टोपी काफ़ी देर तक कोशिश करता है अपनी जान बचाने की, लेकिन आखिरकार वो अपने शिकार में सफल नहीं हो पा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने अलग अलग एनिमल्स की क्लिप देखी। इन सब में आपकी फेवरेट कौन सी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पर अगर आप आखिर तक बने हुए हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल सके। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।